तो नारद जी ने जाकर एक बार ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी, आपके हाथ में यह पृथ्वी इस प्रकार से रखी है जैसे किसी बालक के हाथ में गेंद रखी होती है अथवा कोई बेर या कोई फल रखा होता है, तो इस प्रकार से यह पृथ्वी आपके हाथ में है, आप इसकी रचना करते हैं, आप इसके स्वामी हैं, आप इसको चलाते हैं, तो पिताजी क्या आप ही भगवान हैं? अब नारद जी तो जानते हैं कि भगवान तो श्री कृष्ण हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी के मुख से कहलवाना चाहते हैं, उनके द्वारा प्रामाणित करवाना चाहते हैं कि भगवान कौन है। तो पूछते हैं, पिताजी आप ही बताइए कि क्या आप भगवान हैं? क्योंकि नारद जी जानते हैं अब कलयुग आने वाला है और कलयुग में तो हर गली मोहल्ले में एक एक भगवान होंगे, सब लोग बोलेंगे मैं अवतार हूँ, मैं अवतार हूँ, कई अवतार हो जाएंगे, इसलिए निश्चित हो जाए कि भगवान कौन है। ब्रह्मा जी चिल्लाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं पुत्र, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो भगवान का एक तुच्छ दास हूँ। पिताजी आप दास हैं तो फिर भगवान कौन है? तब ब्रह्मा जी बताते हैं कि अरे पुत्र, मैं कोई अमर नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो भगवान का अंश हूँ और भगवान से ही मेरी उत्पत्ति हुई है। तब ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान तो सर्वेश्वर श्री कृष्ण हैं और वे भगवान जब सृष्टि करने का संकल्प करते हैं, विचार करते हैं, इच्छा करते हैं, सृष्टि लीला की इच्छा करते हैं, उस समय भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं अलग अलग रूपों में, अनेक रूपों में, और तब तीन विष्णुओं के रूप में भगवान अपना विस्तार करते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु, और तब इन गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से एक बहुत बड़ा कमल का प्रादुर्भाव होता है। इतना बड़ा कमल है कि इस कमल की नाल में, इस कमल की डंडी में 14 भुवन समाहित है, 14 भुवन भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल निकला है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है और इस कमल की जो नाल है, जो डंडी है, इसमें 14 लोक हैं। तो विचार कीजिए कितना बड़ा कमल होगा जिसमें 14 भुवन हैं और भगवान विष्णु कितने बड़े होंगे जिनकी नाभि से यह कमल प्रकट हुआ है।